हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। जो आपने मुस्तफाबाद नया यात्रा शुरू की है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके बम्बई तक, पूरे देश को जोड़ने की, न्याय के साथ जोड़ने की जो मुहिम चलाई थी, उस न्याय से जोड़ने की मुहिम ने पूरे देश के अंदर ऑपोजिशन को मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें आईं और वो तो इन लोगों ने गड़बड़ करी, और भी कुछ मसले थे, वरना सरकार हमारी बननी तय थी। राहुल गांधी ऑपोजिशन के एक मजबूत लीडर, जो लोग जो उनके बारे में गलत धारणा रखते थे, आज उनको भी समझ में आया कि देश के अंदर अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी है, जो गरीबों की, परेशान हाल की, और उस दबले कुचले इंसान की जो अपनी बात नहीं रख पाता, उसकी, किसानों की, महिलाओं की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ कोई अगर उठा रहा है देश में, तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। हम राहुल गांधी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए हसन अहमद साहब, जो मेरे वाले जो यहाँ से MLA थे कांग्रेस पार्टी ने, ख्वाब सजाए थे, बहुत ख्वाब देखे थे कि वो यहाँ से, उन्हें और मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा, तो यहाँ इस इलाके को हम साउथ दिल्ली की तरह बनाने की कोशिश कर। कांग्रेस पार्टी के अलाई है आम आदमी पार्टी, तो अलाई नहीं है। हाँ। कहीं अलाई नहीं है जी। वो लोकसभा के अंदर, लोकसभा में आपने मिलकर लड़ा था, लोकसभा के अंदर हमारी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से थी जो देश के लिए नुकसान देता। हमें ये लगा कि आम आदमी पार्टी भी ऑपोजिशन के साथ मिलके, सब लोगों के साथ मिलके शायद हमारी मदद करेगी, लेकिन यहाँ सब लोग देखिए मौजूद हैं। कहीं आम पार्टी ने हमारी मदद करी नहीं? कन्हैया कुमार जी इतने अच्छे कैंडिडेट हमारे लड़े, कितने बढ़िया कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी थे। अगर आम आदमी पार्टी हमें सपोर्ट करती, बुराड़ी से, जहाँ से आम आदमी पार्टी का MLA है, वो भी बिहार से, कन्हैया कुमार भी बिहार से, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए था कि मेरा बिहारी भाई आया है तो मैं उसकी मदद करूं। लेकिन बुराड़ी के अंदर हमें बहुत बुरी हार मिलती है, और जहां पर उन आज से शुरू करने जा रहे हैं, और ये न्याय यात्रा का मतलब ये है कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने, हसन अहमद साहब ने विकास किया था, जो काम किए थे 10 साल में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यहाँ जो अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उससे पहले भाजपा के थे, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने मुस्तफाबाद को 50 साल पीछे कर दिया है। तो हम आज से अपनी ये यात्रा, मुस्तफाबाद न्याय यात्रा, नेहरू विहार वार्ड से शुरू करने जा रहे हैं, चंदूनगर से, यहाँ से, और हम पूरे मुस्तफाबाद में घूमेंगे, एक एक गली में, एक एक घर में जाएंगे, और सड़कों का भी आपको हाल दिखाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर मुस्तफाबाद को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से किया है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक हों, मंत्री हों या नेता हों, जनता के बीच में कोई नहीं आएगा। बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, बुरा हाल हो रहा है, लेकिन उनके एक नेता जो शराब घोटाले के अंदर गए थे जेल में, उनके बाहर बेल पे आने का जश्न ऐसे मना रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जैसे वो स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं, जैसे वो देश के लिए कोई काम करके आए हैं। शर्म आनी चाहिए आम पार्टी वालों तुम्हें, जिस तरीके से मुस्तफाबाद का तुमने बुरा हाल किया है। हम मुस्तफाबाद न्याय यात्रा के माध्यम से जनता तक, और जो अधिकारी हैं, जो जहां तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी, जैसे मेरे नेता राहुल गांधी ने अपनी आवाज़ को पूरे देश के अंदर पहुंचाया था, इसी तरीके से कांग्रेस के यहां जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो मुस्तफाबाद न्याय यात्रा के माध्यम से मुस्तफाबाद की आवाज़ को आगे तक लेके जाएंगे, और हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक मुस्तफाबाद में विकास नहीं होता।